हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट चार्ल्स लैम आज हम चार्ल्स लैम के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के जो पार्ट होंगे सबसे पहले हम चार्ल्स लैम के लाइफ के बारे में बात करेंगे देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेन एसेज एंड इम्पॉर्टेंट कोटेशन्स एट लास्ट इन द लास्ट वी विल भी टॉकिंग अबाउट कोटेशंस फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट एसेज सो स्टिक विथ दीडियो टिल द एंड और आप अपने नोट्स बनाते रहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सो so लाइफ के बारे में फटाफट देख लेते हैं सो ही वॉज बॉर्न इन एटीन थर्टी फोर सॉरी सेवनटीन सेवनटी फाइव एंड ही डाइड ऑन ट्वेंटी सेवन डिसम्बर एटीन थर्टी फोर जो उनका जन्म हुआ था वो टेंथ फेब्ररी सेवनटीन सेवेंटी फाइव में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो ट्वेंटी सेवन डिसम्बर एटीन थर्टी सेवन में हुई थी सम इम्पोर्टेंट वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर बट हियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एसेस ऑफ इलिया एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एंड हियर वन इम्पोर्टेंट थिंग इज ही को ऑथर्ड दिस वर्क विद हिज सिस्टर मैरी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर है उसको उन्होंने किस से मिलकर किसके साथ में मिलकर ये वो लिखा था तो ये मैरी लैम के साथ में लिखा था उन्होंने और जो मैरी है उनकी सिस्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल था उनकी लाइफ में उनके साथ उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था और बहुत सारी जो एसेज ऑफ एलिया जो उन्होंने लिखे हैं उनका इम्पेक्ट हम कहें या हम कहें कि मैरी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उनकी एसेज में

उनके जो रिलेटिव्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोनों आपको याद रखने हैं मैरी लैम उनके सिस्टर और जॉन लैम उनके ब्रदर ही वॉज फ्रेंड विद सम रिनाउड ऑफर्स ऑफ दैट टाइम सैमुअल टाइलर कॉलरेज रॉबर्ट साउथी विलियम वर्जवर्थ एंड विलियम हैजलेट तो उनका जो लाइफ में वो अपने फ्रेंड्स थे उस टाइम के वो बहुत ही रेनाउंड ऑफर थे एस टी कॉलरेज है रॉबर्ट साउथी है वर्जवर्थ विलियम हैजलेट एंड लैम ये वॉज सेंटर ऑफ द मेजर लिटरेचर सर्कल इन इंग्लैंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट नेम जो है वो है ईवी लूकास इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कहूँगा कि जो टेन इम्पोर्टेंट नेम है उनकी लाइफ के वो आप लोगों को बताने हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनिए इवी लूकास तो अभी तक अगर हम देखें तो हमें जॉन उनका ब्रदर और मैरी उनके सिस्टर और ईवी लुकास अब ईवी लुकास कौन है ईवी लुकास है उनके प्रिंसिपल बायोग्राफर उनके बायोग्राफर थे उन्होंने उनके बारे में कहा था लैम के बारे में द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर अनदर पीपल इन हिज लाइफ हिज फादर एलिज जॉन लैम एंड हिज मदर एलिजाबेथ फील्ड तो आपके पास कैरेक्टर हो चुके हैं अभी तक के जॉन मैरी ईवी लुकास एलिजाबेथ फील्ड एंड जॉन लैम लेट्स गो अड लैम वॉज यंगेस्ट चाइल्ड विद सिस्टर इलेवन ईर्स ओल्ड मैरी तो जो मैरी है वो ग्यारह साल बड़ी है किससे लैम से और लैम सबसे छोटे हैं उनका एक ब्रदर है जॉन जो मैरी से भी बड़ा है। हिज फादर जॉन लैम वाज़ अ लॉयर्स क्लर्क और जो उनके फादर से जॉन लैम वो एक लॉयर के साथ में क्लर्क का, का, का काम करते थे जॉन जॉन uh, का जो उनके फादर थे आ, लैम ने एक उनका एक पोर्ट्रेट बनाया था उस पोर्ट्रेट का नाम था इलिया आ, इलिया ऑन द ओल्ड बेंचर्स और वहाँ उन्होंने अपने फादर को लोवल नाम से रिप्रेजेंट किया था तो क्वेश्चन हो सकता है कि फादर को उन्होंने जो उनका एक पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया था इलिया ऑन दी ओल्ड बेंचर्स उसमें उनके फादर का नाम क्या था तो ये आपका है लोवेल नेक्स्ट जो उनके लाइफ में जो पर्सन है वो थी आपकी मिसेस फील्ड मिसेस फील्ड अगर आप एसेस ऑफ इलिया को बहुत पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को मिसेस फील्ड देखने को मिलेगी तो मिसेस फील्ड कौन थी उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर थी जिनके बारे में उन्होंने लिखा था और वो एक पर्सन के घर में सर्वेंट का, का काम करती थी और उस पर्सन का नाम यह हम कहें कि वो जो फैमिली थी वो थी आपकी प्लमर फैमिली तो प्लमर फैमिली में वो सर्वेंट थी उनकी दादी और सॉरी मैटर्नल ग्रैंड मदर सो नानी तो प्लमर uh, फैमिली में वहाँ पर होता यह है कि जो मिसेस प्लमर है उनकी डेथ हो जाती है तो अब जो घर है पूरा वो लैम की जो ग्रैंड मदर है उनके पास आ जाता है मीन्स वही उसकी टेक uh, केयर करते थे तो वहीं पर वो रहते थे तो उस घर में चार्ल्स लैम ने काफी टाइम बिताया था तो जो एसेस ऑफ इलिया है उसमें इस घर का बहुत ज्यादा क्या है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि उस कंट्री हाउस का नाम क्या था उस लार्ज कंट्री हाउस का नाम था ब्लैक स्वेयर और ये कहाँ पे था हार्टफोर्ड शायर में अब एक क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा आ, ब्लैक तो देखिए जो इलिया ऐसे ब्लैक जो है वो एक्चुअल में ब्लैक् के बारे में है और जो ब्लैक ब्लैक्स में एच शायर है एच डैश शायर आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में क्या है हार्टफोर्ड शायर है लिटिल नोन अबाउट चार्ल्स लाइफ जो चार्ल्स की लाइफ थी उसके बारे में बहुत कम जानते हैं अगर हम उनकी एज के बारे में देखें कि सेवन ईयर्स से पहले बट मैरी जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने उन्हें काफी हेल्प की थी उनकी लाइफ में बाद में एक और प्लेस इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्राइस्ट हॉस्पिटल ये एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल था और यहाँ पे बहुत ब्रूटेलिटी होती थी स्टूडेंट्स के साथ में तो उनका जो एक्सपीरियंस था क्राइस्ट हॉस्पिटल में वो बहुत बुरा था तो उन्होंने काफी सारे इस पे एसेज भी लिखे थे और अगर हम देखें एज वेल एज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ले हंट एंड बायोग्राफी लिटरे ऑफ सैमुल टैलर कॉलरिज वैन होम विद होम चार्ल्स डिवेलप्ड अ फ्रेंडशिप विद वुड लास्ट फॉर दियर एंटायर लाइफ और जो क्राइस्ट हॉस्पिटल थे उसमें उन्हें उनके काफी सारे फ्रेंड्स बने थे जो क्राइस्ट हॉस्पिटल है उसके बारे में उन्होंने एक ऐसे लिखा था उस ऐसे का नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल फाइव एंड थर्टी ईयर यहाँ पे उन्होंने एक कैरेक्टर एल रखा है कैरेक्टर का नाम सिंपल एल है आप देख रहे होंगे कि जैसे एच और यहाँ पे अभी कैरेक्टर एल है थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कैरेक्टर एम के बारे में तो उन्होंने काफी सारे जो ऐसे लिखा था उन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल फाइव एंड थर्टी ईयर्स अगो तो क्राइस्ट हॉस्पिटल के बारे में आ, क्राइस्ट हॉस्पिटल जो है वो एक्चुअल में क्या है एक बोर्डिंग स्कूल है और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत ब्रूटलिटी होती थी इसलिए उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए थे क्राइस्ट हॉस्पिटल फाइव एंड थर्टी इयर्स अगो में और लैम ने बहुत सारे वहाँ पे जो इवेंट्स थे उन्हें डिस्क्राइब किया था स्पीकिंग ऑफ हिमसेल्फ इन दर्ड पर्सन एज एल और जो एल था थर्ड पर्सन अगर हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की बात करते हैं जो प्रोनाउन होते हैं तो वहां पे उन्होंने थर्ड पर्सन एल एक कैरेक्टर बनाकर उन्होंने इस पूरे एसेज को इन पूरे एसेज को लिखा था क्राइस्ट हॉस्पिटल वॉज टिपिकल इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल एंड मैनी स्टूडेंट्स लेटर रूट ऑफ द दिबल वे सफोर्ड देर और जो क्राइस्ट हॉस्पिटल का हॉस्पिटल जो बोर्डिंग स्कूल था उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि वहाँ पे उनका जो एक्सपीरियंस था वो टेरिबल वॉयलेंस उन्होंने वहाँ पर झेला था यहाँ पे एक जो टीचर था वो उस टीचर का नाम आपको याद रखना है रेवरेंड जेम्स बॉयर हमेशा कहता हूँ कि पेन और नोटबुक आप साथ में रखिए और सारी चीज़ें नोट करते हुए चलिए आई जस्ट फॉर टू मैंशन दैट इफ़ यू आर न्यू टू चैनल लेट मी टेल यू दैट यू कैन बाय आर कंप्लीट कोर्स आप पूरा कोर्स ले सकते हैं जो कि आपके आ, थ्री पार्ट में है फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को डिटेल जो है पूरे राइटर्स आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको ग्रामर का पार्ट है और थर्ड जो पार्ट है आपका उसमें आपके एम हैं जिसमें आप थर्टी फाइव हंड्रेड एम कर सकते हैं तो आप व्हाट्सएप पे अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर आ, उन्होंने एक फेमस स्टोरी लिखी है बॉयर के बारे में तो अगर पूछा जाए कि ये बॉयर कौन थे तो ये उस स्कूल के प्रिंसिपल और हेड टीचर थे कौन से स्कूल के क्राइस्ट हॉस्पिटल के और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है आपका रोजमेन् ग्रे रोजमेंड ग्रे, रोजमें ग्रे के भी एक स्टोरी है ऑफ अ यंग मैन नेम्ड एलन क्लेयर तो जो रोजमेंड ग्रे है वो एक्चुअल में एलन ग्रे की स्टोरी है हु लव्स रोजमिन ग्रे बट देयर रिलेशनशिप कम्स टू नथिंग बिकॉज ऑफ अडन डेथ मिस सिमोन यहाँ पर मैंने जैसे आपको कहा था कि एक आपको एल जो था थर्ड पर्सन स्टोरी का ओके जिसमें कि डिक्टेट की गई थी थर्ड पर्सन एल के थ्रू यहाँ पे मिस सिमोन जो है उसका नाम है एलिस एम तो एम एल इस तरह से आप इन चीजों पर ध्यान रख सकते हैं सो so, मिसमॉन कौन थी उसके बारे में देखते हैं ऑल्सो अपियस इन सेवरल एलिया है एक्चुअल है, करते हैं लेकिन उनके जो रिलेशनशिप है वो अल्टीमेटली फेल हो जाती है सो so, एक जो ऐसे है द्रीम चिल्ड्रेन एंड न्यू यव ये ड्रीम चिल्ड्रन में उन्होंने जो उनका प्लेस था जहां पे वो अपने ग्रैंड ग्रैंड मदर फील्ड के साथ में उन्होंने टाइम स्पेंड किया था उसका काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन है और साथ ही साथ जो मिस सिमोन है उनके बारे में भी अच्छा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है सेवरल अदर एसेज में भी उन्होंने लिखा है किसके बारे में सिमोन के बारे में या आप कह सकते हैं मिस एम के बारे में सो दे आर लव अल्टीमेटली फेल्ड मिस सीमॉन्स इवेंचुअली वेंट ऑन टू मैरी अ सिल्वर स्मिथ और जो मिस सीवान है सिमान है उन्होंने अल्टीमेटली किसके साथ शादी कर दी अ सिल्वो स्मिथ एंड लैम कॉल्ड द फेलियर ऑफ द अफेयर हिज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट अगर उनकी फैमिली ट्रेजिडी के बारे में बात की जाए फैमिली में काफ़ी ट्रेजिडीज थी उनकी चार्ल्स लैम एंड जो उनकी सिस्टर थी मैरी दे बोथ सपोर्ट अ पीरियड ऑफ मेंटल इलनेस दोनों के मेंटल इलनेस उन्होंने सफर की थी अगर हम बात करें कि जो मैरी लैम थी वो थोड़ा ज्यादा और पर्टिकुलरली स्ट्रोंग मेंटल इल्नेस उन्होंने फेस की थी देर मदर वॉज एलजबेथ उनकी जो मदर थी वो थी एलिजेथ और एलिजेथ यल किया करती थी चिल्लाया करती थी मैरी पे बहुत ज्यादा और इससे जो मैरी है उसको मेंटल ब्रेकडाउन हो गया हदर

और उसने अपने किचन नाइफ से अपनी जो मदर थी उसका मर्डर कर दिया था राइट सो यू कैन सी स्टोरी मैरी टुक द नाइफ किचन नाइफ एंड मर्डर मर्डर हर मदर तो उसके हाथ से नाइफ जो जो छीनते हैं वो चार्ल्स लैम छीनते हैं नेक्स्ट क्या होता है कि जो चार्ल्स हैं वो मैरी को एक प्राइवेट मेंटल फैसिलिटी कॉल्ड फिशर हाउस में डाल देते हैं फिशर हाउस में रखते हैं लेट ही ब्रॉट बैक उसे वापस लेके भी अपने रूम अपने घर पर ले आते हैं सम पोएम्स ही रोट इवन uh, जो अगर हम बात करें कि उनकी अपने सिलेबस की तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एस के बारे में लेकिन उनके थोड़े से एक दो पॉइंट्स भी देख लेते हैं जो उनकी उन्होंने लिखी है सो चार्ल्स लैम्स इज ओन पोएम्स ऑन द लॉर्ड्स प्लेय विजन ऑफ रिपेंटेंस तो उनकी जो पोएट्री है उसमें रिलीजियस चीजें बहुत ज़्यादा थी दंग कैटिजिस्ट कंपोज एट मिड नाइट सफो लिटिल चिल्ड्रन फॉर विड दैम नॉट टू कम टू मी रिटर्न ट्वेल्व मंथ आफ्टर द इवेंट्स चैरिटीज ऑन इट टू फ्रेंड एंड अदर थिंगस some selected works by charles lamb's are blank verse poems in 1798 a tale of rosamond gray which we old blind Ma margaret 1798 john woodville verse drama in 1802 tales from shakespeare 1807 the adventure of ulysses 1808 so write down in comment box then who co-authored this टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसके साथ मिल के उन्होंने टेल्स फॉर फ्रॉम शेक्सपियर लिखा था स्पेसमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ द शेक्सपियर एटीन जीरो एट ऑन द ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर एटीन इलेवन विच इज एन अदर नाइट फियर्स एटीन ट्वेंटी वन दॉन ब्रॉकरस डॉटर एटीन ट्वेंटी फाइव एलियाना Analysis of Ilya. This is most important part for your syllabus. 1823 publication date. Okay, so you can say Ilya. So Ilya uh, used to know one, two, three only. Okay, Ilya. Ilya was a girl, and she know knew only. Now you know counting one, two, and three, and she used to put eight in between. So one, two, three. Okay, there is one space here, eight, for counting. I will ask you later. The last s's of elia thirty-three. So gap is of ten years. Remember this one. Okay, so s's of Ilia and the last s's of elia eighteen twenty-three and eighteen thirty-three. So if we'll uh use the reasoning to learn this one so there was gap of 10 years you can remember this okay and ilia knows only counting of one two and three not more than that ilia is a small girl so with this you will never forget now let's talk about tales of tales from shakespeare tales from shakespeare is an english children book written by the siblings Charles and mary lamb in 1807 so Uh, जो मिल के लिखी थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वो एटीन जीरो सेवन भी लिखी थी द बुक इज़ डिज़ाइन टू मेक द स्टोरीज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस फेमेलियर टू द यंग वॉय रिटेनिंग अ मस्ट शेक्सपियर इन लैंग्वेज एज पॉसिबल तो उन्होंने ये बुक इसलिए लिखी थी कि वो चाहते थे कि जो यंग uh, बॉयज़ हैं यंग जो बच्चे हैं वो क्या करें कि शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है उसे अच्छी तरीके से समझे मैरी लैंग्वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमेडीज एंड चार्ल्स वॉर्स ट्रेजरीज ये क्वेश्चन आ सकता है पूछा जा सकता है कि मैरी लैम ने कौन सा पार्ट लिखा था तो कॉमेडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, थी मैरी लैम की और चार्ल्स uh, जो था उसने ट्रेजिडीज के बारे में लिखा था दे द मोर कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल टेल्स इंक्लूडिंग ऑल रोमन प्लेस एंड मॉडिफाइड दो चूज टू रिटेल इन अ मैनर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन बट विदाउट रिजोर्टिंग द एक्चुअल हाव सब प्लॉट्स एंड सेक्सुअल रेफरेंसेज वो रिमूवड यहाँ से उन्होंने यंग चिल्ड्रन के लिए था सो सब प्लॉट्स और जो सेक्सुअल रेफरेंसेज थे वो उसमें से रिमूव कर दिए गए थे देर और दै परिफेस टूगेदर और जो ये प्रिफेस उन्होंने लिखा था वो साथ में लिखा था अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर हम सिलेबस के पार्ट ऑफ सिलेबस के पार्ट से देखें तो एसेज ऑफ इलिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एसेज ऑफ इलिया इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज रिटर्न बाई चार्ल्स लैम इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन बुक फॉर्म इन एटीन ट्वेंटी थ्री मैंने कहा था आपको जो एलिया है उसे वन टू थ्री बस यही याद रहते हैं ओके okay, और मिस्टेक क्या करती हो एट यहाँ पर लिख लेती है और जो लास्ट एसेस थे वो कब लिखे गए थे लास्ट एसेस टेन ईयर्स लेटर ओके सो इट वॉज एटीन थर्टी थ्री ये आपको याद हो जाना चाहिए लास्ट में पूछूंगा इसको मैं और जो इसका पब्लिशर था ये भी आप याद रखेंगे पूछ, पूछा जा सकता है कि इसका जो पब्लिशर था वो कौन था एडवर्ड मॉक्सन एडवर्ड मॉक्सन ने एसेज ऑफ इंडिया क्या किए थे पब्लिश किए थे कलेक्शन फर्स्ट बिगेन अपियरिंग इन दंडन मैगजीन इन एटीन एंड कंटिन्यू टू एटीन तो जो लंडन मैगजीन में इस जो एसेज होते थे वो पब्लिश होते थे कब से एटीन टवेंटी से तो आपके पास में आप प्लस माइनस करते जाइए कि आ, जो इलिया है उसे वन टू थ्री मीन्स एटीन ट्वेंटी थ्री जो है ये एज अ बुक पब्लिश हुई थी माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस थ्री जो है ट्वेंटी में ठीक है ट्वेंटी में ये द लन मैगज़ीन में पब्लिश होते थे और कंटिन्यूड अप टू ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव तक ये कंटिन्यू चलते रहे लैम्प्स एसेज वो आर वेरी पॉपुलर एंड वर प्रिंटेड इन मैनी सबसिक्वेंट एडिशन थोर आउट द नाइनटीन सेंचुरी लैम्प के जो एसेस थे वो काफ़ी पॉपुलर हुए थे लेकिन जो रॉबर्ट साउदी थे उन्होंने इसे अभी ये फैक्ट आएगा कि रॉबर्ट साउदी ने इसे क्रिटिसाइज किया था ब्लैकवुड मैगजीन तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट साउदी थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था और जबकि जो लैम थे वो रॉबर्ट साउदी को बहुत पसंद करते थे तो इसीलिए उन्होंने एक लेटर इलिया टू साउदी आपको आप याद रख सकते हैं कि जब उन्होंने क्रिटिसाइज uh, किया था ने तो इलिया टू साउदी उन्होंने लिखा था उन्हें ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि इलिया टू साउदी उन्होंने कब लिखा था ओके पर्सनल एंड कॉन्ट्यूशनल टोन ऑफ मेनी रीडर एस्टेब्लिश्ड लैम इन दाइटल बी नाउ होल्ड दैट ऑफ द मोस्ट डिलइटफुल इंग्लिश एसिस्ट और मीन्स जो चार्ल्स लैम थे वो काफी फेमस हो चुके थे इस टाइम तक लैम हिमसेल्फ इज ईलिया ऑफ द कलेक्शन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट uh, बात है वो है आपका ईलिया जो है वो लैम है खुद ओके okay? एंड जो सिस्टर मैरी है वो कजिन ब्रिजिट है क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि जो कजिन ब्रिजिट है वो एक्चुअल में कौन है वो है मैरी और मैरी कौन है जो उनकी सिस्टर है और उसे जो मेंटल सिकनेस की प्रॉब्लम है चार्ल्स फोस्ट यूज दूडोनिम इलिया फॉर एन एसे ऑन द साउथ सी हाउस साउथ सी हाउस वेयर ही हैड वर्कड डिकेट्स आलिया तो उन्होंने स्यूडोनिम यूज किया था इलिया और बाद में ये चार्ल्स लैम का ही स्वीडो हो गया सो इलिया वाज़ द लास्ट नेम ऑफ द इटालियन मैन हु वर्कड देयर एट एट द सेम टाइम ए चार्ल्स एंड आफ्टर दैट नेम हुए तो यहाँ पे एक फैक्ट निकल के आता है कि जो इलिया था वो कौन कौन था इलिया uh, वो साउथ सी हाउस में जब काम करते थे कौन चार्ल्स लैम तो उस टाइम वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम था इलिया और वहीं से उसे आइडिया आया लेकिन बाद में जो पेन नेम बना वो चार्ल्स लैम का बन गया अमेरिकन एडिशन ऑफ द एंड द लास्ट एसिस वो आर पब्लिश इन फिलाडेल्फिया इन 1828 एट द टाइम अमेरिकन पब्लिशर्स वर आर बाय कॉपीराइट लॉ एंड ऑफन रिप्रिंटेड मटेरियल्स फ्रॉम इंग्लिश बुक्स एंड पीरियडिकल्स

द साउथ सी हाउस जो है यहीं से उनको इलिया नाम यहाँ से किसी का था उनके साथ जो काम करता था और बाद में उनका पैन नेम बना अभी हमने देखा ऑक्सफोर्ड इन दैकेशन क्राइस्ट हॉस्पिटल फाइव एंड थर्टी ईयर्स अगो इसकी स्टोरी आपको याद आ चुकी होगी कि ये उनका अपना क्या था उनका एक, एक स्कूल था बोर्डिंग स्कूल जहाँ की उनकी टेरिबल जो मेमरीज थी उसके बारे में लिखा था द टू रेसेज ऑफ मैन न्यू ईयर्स ईव मिसिज बैटल्स ओपिनियन ऑफ विस्ट अ चैप्टर ऑन ईयर्स ऑल फूल्स डे अ क्वेकर्स मीटिंग दे ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर वैलेंटाइंस डे इन परफेक्ट सिंपेथिस विच इज़ एंड अदर नाइट फेयर्स माई रिलेशन मैक्री एंड एंड हार्ट हार्ट फॉर शाया हार्ट फोर शाया वही जगह है जहाँ वो रहते थे अपने ग्रैंड मदर के साथ में होपफली यू रिमेंबर नाउ मॉडर्न गालेंट्री The old ventures of the inner temple, grace before meat. my first play, Dream children are reverie. was important work here. Uh, Dream children are reverie. Uh, we will uh, we will talk about that. Distance correspondence, the praise of chimney sweepers, the complaint of the decay of the beggars in the metropolis, the desertion upon roast pig, a bachelor's complaint of the behavior of married people, ऑन समी ओल्ड एक्टर्स ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी ऑन द एक्टिंग ऑफ मंडन लास्ट एसेज ऑफ इंडिया इस वाले कलेक्शन में उनका जो ब्लैक मोर ब्लैक्स मोर अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ब्लैक्स मोर का ओरिजिनल नाम क्या था उस हाउस का अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को इसे नोट कर लेना चाहिए और जो एच शायर है वो एक्चुअल में क्या है Next day upka poor relations detest thoughts on book and reading stage illusion to the shade of Elis Liston and Listoniana, the old Margaret Hoy the Convalescent of the True Genius Captain Jackson the Super Renuted Man, the gentle style of writing, Barbara S, the tombs of tombs in the Abbey, Amicus. Redivivus, ready some sonnet of the sir philip sidney. newspaper, thirty five years ago. barrenness of the imaginative faculty in the production of the modern art. the wedding. rejoicing upon the new year's coming of the age. old china. the child angel. a dream. confession of the dunkard. popular fallacies. So y you can frame a story all around these names. I'll pick a story for, frame kijiye. but if you don't have time, just wait for uh, you know after a few days, I'm going to make all to uh, 41 writers and the stories we will be doing that so you can remember most of the works of the writers. Uh, but you can frame your own stories and you can write down in comment box if you want to suggest uh, some story to remember all the names. अमंग द इंडिविजुअल एसेज जो इंडिविजुअल ऐसे उन्होंने लिखे थे ड्रीम चिल्ड्रन जैसा मैंने कहा था कि ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है इसे आप डिटेल में अगर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए एन ओल्ड चाइना आर पर हैव द मोस्ट हाईली एंड जनरली एडमायर्ड अ शॉर्ट म्यूज़िकल वर्क बाय एलगर वॉज इंस्पायर्ड बाई ड्रीम चिल्ड्रन दो ये जो एक शॉर्ट म्यूज़िकल वर्क था किसका एलगर के साथ में तो आपको ये एलगर नाम याद रखना है कि उसने इंस्पायर किया था ड्रीम चिल्ड्रन के लिए स ऑफ फॉन्डनेस फॉर स्टेज ड्रामा प्रोवाइडेड द सब्जेक्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ द माय फर्स्ट प्ले स्टेजन एंड एल्स्टियाना ये सारी चीजें हैं वो ड्रामा के लिए पर्टिकुलरली इंफ्लुंस थे उससे ब्लैक मोर इन एच शाया ब्लैक मोर इन एच शाया वॉज एक्चुअली रिटर्न अबाउट जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया था ये आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है ब्लैक् वेयर इन हार्ट फोर शायर ग्रेट हाउस वेयर लैम्स मैटरनल ग्रैंड मदर वॉज हाउस कीपर फॉर मैनी ईयर्स तो आप जल्दी से लिखिए साथ साथ आप कमेंट में लिखिए कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनका नाम क्या था जो उनके साथ यहाँ पे ब्लैक्स वेयर में रहती थी द साउथ सी हाउस अब इसकी आ, समरी देख लेते हैं कुछ जो चार्ल्स लैम के एसेज हैं उन्हें देख लेते हैं सो इलिया ओपन्स बाय्रेसिंग द रीडर आस्किंग फ्रॉम दैंक टू दॉटर मैग्निफिशेंट बट डेट ओल्ड बिल्डिंग विद्रिक एंड स्टोन एडिफाइज इलिया जब बैंक से फ्लावर पॉट की तरफ जाती है तो वो एक बिल्डिंग को उसने उससे पहले नोटिस नहीं किया था दिस इज इलिया is a former house of trade and he describes फॉर्मर हाउस ऑफ ट्रेड एंड ही डिस्क्राइब इट्सेशन एंड मैप ऑफ Panama वो पे porticos और मैप ऑफ पनामा को बहुत अच्छे से एलेबरेट uh, करता है दिस बिल्डिंग was द साउथ सी हाउस और जो बिल्डिंग है वो उसका नाम है साउथ सी हाउस जहाँ से उन्होंने इलिया नाम लिया था

फिगरेटिवली भी देखा जाए तो इसमें आप धूल जम चुकी है मीन्स तो उसका आप मीनिंग नहीं रहा कुछ एट द साउथ सी बैंक नाउ इंजॉयज आफ पेटिंग रिफ्लेक्ट्स ऑन दर्ली डेज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एंड दैट इंग्लैंड नाव इंजॉयज विच ग्रू फ्रॉम दिस बैंक एज वेल एज हिज अदर जॉब एज द इंडिया हाउस तो ये इंडिया हाउस एंड अदर प्लेसिस ये उन जगह के नाम है जहाँ पर उन्होंने काम किया था लैम ने काम किया था द बिल्डिंग इज नॉट जस्ट अ मोनोमेंट टू एन इन फेमस स्कैम बट टू दरिजिन ऑफ फाइनेंस एंड इंग्लैंड नाउ ऑपरेट्स बाय बायर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी थिंग ही क्योंकि बहुत लंबे ऐसेज हैं वी विल जस्ट टेक आउट ओनली द इम्पॉर्टेंट नेम्स एंड द कैरेक्टर्स फ्रॉम द एसेज So you should write down, uh, keep on write down, uh, keep on writing the things, important things, and then you you should mug up them. Uh, he reminisces the library, the building, used to have as well as its pen knives and then move moves on the wistful recollection of the various employees who worked at the South Sea Bank. So in the South Sea Bank India House. काम किया था मोस्ट ऑफ देम वो बैचलर सिंस द जॉब डिडेंट पे सो वेल एंड ऑल ऑफ देम हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी बैचलर थे और वो इसलिए बैचलर थे क्योंकि उनकी जो जॉब थी बहुत ज़्यादा पे नहीं करती थी और सभी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था बहुत अच्छा था इलिया कंसिडर्स दैम अ बंच ऑफ ओल्ड फिशेस तो ये चीज़ पूछी जाती है कि जो ओल्ड फिशेस थी वो किस चीज़ के लिए यूज किया गया था तो ओल्ड सॉरी ऑड फिशेस फिशेज तो जो ऑड फिशेज यूज़ किया गया है जो वर्ड वो उन सभी के लिए यूज़ किया गया है जो उसके साथ काम करते थे लैम के साथ में काम करते थे अल्यूडिंग नाउस आर्क एज इफ बैंक कंटेंट टू ऑफ एवरी काइंड ऑफ मैन ही डिस्क्राइब्स सिकली मैन इवान्स और यहाँ पे वो इवान्स के बारे में बात करता है जो कुछ सिक है ना हु वर्क एज कैशियर तो यहाँ पे जो इवानस है वो आ, काम करता है कैशियर का ही वॉज अ मेल ड्यूरिंग द ड्यूरिंग हिज जॉब ऑलवेज फरिंग दैट अकाउंट्स वुड डिफॉल्ट बट अ मर्सफुल स्टोरी टेला वैन वर्क डे वॉज डन और वो हमेशा दुखी रहता था वहाँ पर इसलिए दुखी रहता था कि उसे लगता था कि जो अकाउंट है उसमें डिफॉल्ट आ सकता था वर्किंग अंडर इवानस वॉमस टेम और जो इवान है उसके अंडर में काम करता है और पूरी तरह से एक डल माइंड है देयर वॉज ऑल्सो जॉन टिप और एक नया कैरेक्टर जो है वो है आपका जॉन टिप हु द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन दर्ल्ड एंड हिमसेल्फ ग्रेटेस्ट अकाउंटेंट टिप वॉज द हु who so rejected the company or help of others that ilya took it from the form of timidity. finally, there were men who perpetrated the hoaxes. henry mann was the author of the south uh, South sea bank. joe south sea bank or uh, character hai, uska naam hai henry mann. so and he is the author. and he always made sure to give people a hard time for showing up late or leaving early. और वो सभी लोगों से काफी बुरी तरह से बर्ताव करता था मैन एडिड बाय प्लम तो यहाँ पर हमें प्लम फैमिली आप लोगों को याद होगा कि जो उनकी दादी थी uh, नानी थी मैटरनल ग्रैंड मदर वो प्लम फैमिली के साथ में काम करती थी एंड एरिस्टोक्रेटिक फेलो हु डिड लिटिल टू स्टॉप द होएक्स एंड सीम्स Pleased whenever it was furthered, the essay conclu uh, concludes with Ilya suggesting that every person he had just recollected may have been fabrication, a hoax such as South, South Sea Bank's own work. He tells the reader to be satisfied that he could be a witness to the South Sea Bank that his own existence could make the importance of the institution a little more material. We will not go for analysis. Uh, I will make another video for uh, UGC net level um, uh, analysis for all the essays, but this time we are just going through the essays only. The old and the new schoolmaster. This is the, the next one. Let's go through the summary. Ilya confesses that he is not well read. एंड इलिया uh, यहाँ पे शुरुआत जो होती है इलिया के साथ में कि इलिया कन्फेस्ट करता है कि वो वेल well रेड नहीं है ही हैज़ डिवेलप्ड हिमसेल्फ टू ओल्ड इंग्लिश प्लेस एंड वेरियस ट्रिटीज़ बट इज़ इग्नोरेंट अबाउट एनी एनी थिंग इन द वे ऑफ साइंस ही इज सो इग्नोरेंट ऑफ जियोग्राफी दैट ही डो वेयर एफ्रीका टच इज एशिया एंड नोज सो लिटिल अबाउट एस्ट्रोनोमी दैट ही कुडेंट बिगिन टू पिक आउट कॉन्स्टिलेशनस हिज फ्रेंड एम फेल टू टीच हेम द लॉज ऑफ़ यूकलिट तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इलिया है और ये जो ऐसे है उस ऐसे में दी ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर इस ऐसे में उनका फ्रेंड का नाम क्या है तो उनके फ्रेंड का नाम है एम ओके फेल टू टीच हिम ऑफ द लॉज ऑफ यूक्लिट तो uh, उनका जो फ्रेंड है उसने उन्हें यूक्लिट के लॉ नहीं बताए एंड ईलिया नोज नथिंग ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेज Instead of having picked up a little bit of Latin and even less ancient Greek, they think that Iliad dreads more of more is being stuck talkative, talking to a well-educated man whom he doesn't know. Since this is when he has to suffer the agony of confronting his own ignorance in depth. He recounts a time that he was stuck on a coach with one such man, totally unable to carry conversation about show cattle, the Indian market, the songs the siren sang, or anything else the man brought up. The conversation ended mercifully only once the man goes off the coach. Once getting off the coach, the man was able to start talking of local epidemics and seemed pleased Ilya quickly realized this man was a schoolmaster or Ilya ko ye schoolmaster explaining his endless thirst for knowledge and begins to reflect on the difference between new schoolmasters and old ones old schoolmasters were concerned only with so now from here we can uh, take out some important things for our exam ना जो ओल्ड स्कूल मास्टर्स थे कंसर्न ओनली विद व्हाट वट बी टॉट विद इन लिमिट्स ऑफ दियर लैंग्वेज तो जो ओल्ड स्कूल मास्टर्स थे वो आ उनको पढ़ाया जाता था विद इन द लिमिट्स ऑफ दियर लैंग्वेज जो उनकी लैंग्वेज है उसी के अंदर जो चीजें वो बता सकते हैं दी वु डू लिटरेचर एंड एनशियट लैंग्वेज इज विफॉर्मड दियर प्रेजेंट वन बट केयर लिटल अबाउट मच दैट फेल आउटसाइड

Uh, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत सारा नॉलेज देना चाहते हैं डिफरेंट कैटेगरी का द न्यू स्कूल मास्टर फाइंड्स अपॉर्चुनिटी टू टीच ऑल द टाइम एंड एवरीवेयर जो नए स्कूल मास्टर हैं वो uh, हर जगह पढ़ाने में विश्वास रखते हैं नॉट इवन पासिंग अप द चांस टू टीच समथिंग टू हिज स्टूडेंट्स वाइल्ड वॉकिंग विद दैम थ्रू नेचर और जब भी वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में नेचर के साथ में हो तब भी वो कुछ ना कुछ उन्हें सिखाते हैं

हम कह सकते हैं पैराग्राफ था उससे उससे मोटिवेटेड होकर लिखा था उसमें जो एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन है उसका बर्डन एक टीचर को फील होता था हु इवन ही लॉस्ट वाइफ वॉज नॉट एबल टू ब्रेस द गैप ऑफ बींग हिज स्टूडेंट्स मेंटर बट राधा वॉज फर्दर आइसोलेटेड इन द रोल अनएबल टू गेट दैम टू अप्रिशिएट हिज एग्जिस्टेंस एज अ मेयर मैन

1823 में पब्लिश हुआ था अभी आपको पब्लिकेशन डेट याद हो जाएगी वन टू एंड थ्री आपको यह या याद होगा इन लंडन मैगजीन और यह फर्स्ट लंडन मैगजीन में पब्लिश हुआ था रेफरिंग टू हिमसेल्फ बाय शुडन बाईन लैम वॉज पेंडाउन लैम हैज डाउन द एस एज पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हिज लाइफ ऑफ एनी डाइटेक्टिक और मॉरल लेसन और जो उनकी खुद की लाइफ थी उसमें कोई भी उनका कोई या मॉरल लेसन नहीं होता था uh, मतलब उन्हें कोई दिया नहीं गया जब वो बचपन में uh, पढ़ रहे थे इन रिस्ट विद यूमा पैथोस रिग्रेट ऑफ द टाइम लॉन्ग गॉन लैम्स एस लीव एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंडस एंड हार्ट ऑफ द रीडर सो नाउ लेट्स गो थ्रू दमरी ऑफ दर्क चार्ल्स लैम बिगिन ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन बाय डिस्क्राइबिंग टू हिस्सिलन एलिस एंड जॉन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दो यहाँ पे कैरेक्टर की बात वो करते हैं एलिस और जॉन के बारे में तो जॉन हमें पता है कौन है राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से लिखिए कि जो जॉन है वो कौन है टेल्स ऑफ हिज चाइल्डहुड वेन ही यूज टू लिव विद हिज ग्रैंड मदर मिसिस फील्ड तो मिसिस फील्ड जो है वो जिस घर में काम करती थी उस घर का नाम क्या था ये भी आपको लिखना है आप जब साथ साथ में ये सारी चीजें नोट डाउन करेंगे या आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे वीडियो में तो आई uh, नो कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी तो यहां पे तीन कैरेक्टर हैं एलिस जॉन एंड मिसेस फील्ड इन अ नॉस्टैल्जिक टोन लैम नेरिट्स टू द ह्यूमरस डिटेल्स ऑफ हिज टाइम स्पेंड इन हिज ग्रेट ग्रैंड मदर्स हाउस द लव बिटवीन द टू ब्रदर्स चार्ल्स चार्ल्स एंड जॉन देयर फ्रीक्वेंट वंडरिंग एंड मिशीव्स इन द ग्रैंड ग्रैंड हाउस एंड द मेमरीज ऑफ द ऑरेंज ट्री एंड द फिश पॉन्ड जो चार्ल्स लैम है वो नॉस्टैल्जिक टोन में अपने बारे में अपने बचपन के बारे में सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से वो ग्रैंड मदर के हाउस में रहते थे अब अगर सच में देखा जाए तो उनकी ग्रैंड मदर का मैटरनल ग्रैंड मदर का होम वो नहीं होता है वो प्लम फैमिली का घर होता है जो कि उन्हें बाद में मिल जाता है रहने के लिए द टोन ऑफ द एस एस शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमरस टू ट्रेजिक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यूमरस टू ट्रेजिक इसमें टोन चेंज होती है वैन लैम डिस्क्राइब द डेथ ऑफ इज ब्लविड ब्रदर जो ब्लविड ब्रदर कौन था उनका जॉन And great grandmother, whom he loses at an early age of his life. The essayist's unfulfilled longings and desires are also evident in his work when he narrates to the children the events and incident from his past. The essay highlights the themes of loss and regret in Lamb's life. The essay reflects not. nostalgically on his childhood and regrets the loss of his dear ones. और इस जो work है Dream Children उसमें अपने जो भी उन्होंने अपने dear ones को खोया होता है उनके बारे में लिखते हैं. He also feels depressed on the loss of unrequited love Alice and regrets not marrying her. यहाँ पे जो Alice है Miss Siman हो सकती हैं जो Alice के साथ में उनका ना unrequited unrequited लव था उसके बारे में मोर ओवर लैम रिग्रेट्स दैट द हैप्पी एंड जॉयस डेज ऑफ ए चाइल्डहुड आ गॉन इन ब्लिंक ऑफ एन लगता है कि जो उनके बहुत अच्छे दिन थे बचपन की वो बिल्कुल पलक झपकते हुए चले गए ड्यूरिंग हिज एडल्टुड लैम टेक्स हिज लोनलीनेस टू दी हार्ट डेस्परेटली यर्निंग फॉर द रिटर्न ऑफ द ओल्ड हैप्पियर डेज ऑफ लाइफ दिचेज इट्स क्लाइमेक्स वैन द रीडर्स बिकम अवेयर ऑफ द रियलिटी दैट चिल्ड्रेन लिस्निंग टू लैम्स स्टोरीज आर नथिंग बट आ फिगमेंट ऑफ इज इमेजिनेशन एंड ड्रीम ऑफ अ स्लीपिंग मैन और बाद में हमें पता चलता है कि जो लैम्प्स के स्टोरीज हैं वो उनकी इमेजिनेशन की है और एक ड्रीमिंग है मीन्स वो सपना देख रहे हैं और उस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू अगर हम देखें कि ये बहुत उनकी लाइफ के बारे में हमने जब देखा कि उनकी जो ट्रेजिक लाइफ है उसके बारे में उनको वो रिलेट करना चाहते हैं दिस ए रिवॉल्विंग अराउंड द हैप्पी चाइल्ड हुड डेज एंड द लोनली एडल्ट एज ब्रिंग्स टू माइंड द ट्रांसियन नेचर ऑफ लाइफ वेर नथिंग रिमेंस फॉर एवर इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि जो लाइफ है ना वो हर एक इंडिविजुअल की जो लाइफ होती है वो कभी भी बदल सकती है या फिनिश हो सकती है ड्रीम चिल्ड्रन बाई चॉल्सलैम हाईलाइट्स द पेन एंड रिग्रेट्स ऑफ लूजिंग लव्ड वाइफ पर्सुअिंग दसेट्स इन डल्ज इन अ ड्रीम वर्ल्ड फैंटेसी इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट अपॉन दी स्वीट मेमरीज ऑफ द डेज गॉन बाय इनस्ट विद पैथोस द एसेट डिस्क्राइब्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड हुड और जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो चाइल्ड हुड की जो इम्पोर्टेंस है उसे हमें शो करता है

and he has a china collection the and while he is uh, fixated on old china he can't quite remember the first time that he has become aware of its existence he then goes on to describe the various scenes that one can find emblazoned in bl blue on a white background elia spe speaks in mystifying terms of figures floating Above the ground, in their uh, depicted scenes of men with women's faces, and of an illustration of a tea ceremony that concludes in a woman entering a boat with one foot stepping off a grassy riverbed. One afternoon, while Ilya is drinking Hyson tea, so remember this one again, important Hyson tea with his cousin Bridget. तो यहाँ पे जो ब्रिजिट है वो कौन है आपको लिखना है हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं ही रिमार्क्स ऑन चाइना दे आर ड्रिंकिंग फ्रॉम अ सेट ही जस्ट बॉट रिसेंटली ही रिफ्लेक्ट्स ऑन दियर गुड फॉर्चून इन रिसेंट ईयर्स एंड हाउ दे कैन अफोर्ड सच लग्जूरियस नाउ लग्जूरियस थिंग्स नाउ लग्जरीज नाउ But Ilya sees a look of disagreement on Bridget's face and she launches into a monologue, questioning the extent to which they can actually appreciate this China now that is financially easily within reach. She recalls a time from their past when they were poorer, when Ilya held off on buying a new suit when his old one was looking shabby because. He bought a book that Ilya and Bridget had to rebind and repair. Now he never brings her any gift, much less a dilapidated book. She recalls when they used to go uh, for picnic and ask people to borrow a tablecloth. And when they used to sit in rafters where seeing a play, even though Ilya would now only attend one sitting in the pit bridget rem reminds him of the foods they used to eat that they considered luxuries such as strawberries early in the season so here you can uh, see these things what they mention there uh, for the luxuries okay uh, like the cloth tablecloth and strawberries and other things now she says anything they could Treat themselves to above their typical means would be a greedy indulgence. She takes whether perhaps they were happier when they were poorer, if they could better enjoy their those uh, ephemeral pleasure, and whether they are now too easily satisfied by anything they can afford. Ilya responds that perhaps they were happier when they were poorer but notes that they were also younger then. The fact that things were harder when they were younger should make them appreciate their current lot even more. Desiring those old, poorer days to return is a fantasy. Instead, Ilya suggests they should focus on fantasy tableau portrayed in the China's holding. Old China is all, often considered something a radial among अमंगेस्ट लैम्प्स ऐसे तो जो ओल्ड चाइना है उसे रिडल भी माना जाता है लैम्प के एसेज में एज इट ड्रिप्स इनटू इन टू अ सिमिलर फ्लू मैनर दैट इलिया ड्रिप्स इनटू टी सेमनी सीन दैट ही केजेस एंड द पीस ऑफ चाइना हालिया इन द स्टोरी इन बोथ द केस ऑफ द सीन इन द चाइना कॉन्वर्सेशन विद ब्रिजिट ड्रिंकिंग टी ओपन डोर टू अ स्पेकुलेटिव काइंड ऑफ रिफ्लैक्शन जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो एक बहुत ही अच्छा एक रिफ्लेक्शन है उनके पास्ट का। कैन बी ड्रॉन हियर फेमस कुकी दैट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मार्शल प्राउस्ट इन सर्च ऑफ द लॉस्ट टाइम टेस्ट राइट बिफोरपोर्ड इनटू अ वास्ट लैंडस्केप मेमोरी एट हार्ट ऑफ अ मेडिटेशन ऑन क्लास this is the uh, theme we can say it or uh, the topic of discussion that it was uh, the time uh, just before the Victorian period ये जो time था वो Victorian period के पहले का time था जबकि rich और poor के बीच की जो एक दूरी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और यहाँ पर uh, देखा जाता है कि जो इलिया है वो ग्रेट हाउस के बारे में बात करता है वेल्दी थिंग्स के बारे में बात करती है जबकि जो ब्रिजिट है वो बात करती है कि जब उन दिनों की बात करती थी कि इवन जब वो टेबल क्लॉथ भी नहीं ले पाते थे तो ये सारी चीजें शो करने की कोशिश की गई है हियर आर अ फ्यू एसेज इन विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लाइन्स ओपनिंग लाइन्स ऑल फुल्स डे की जो ओपनिंग लाइन है वो है द मोर लाफेबल ब्लंडर्स अ मैन शैल कमिट इन योर कंपनी द मोर टेस्ट ही गिव you that he will not betray or overreach you next is the bachelor's complaint of the behavior of married people nothing is to me more distasteful than that entire complacency and satisfaction which beam in the countenance of a new married couple. a chapter on yours sentimentally i am disposed to harmony but organically. I am incapable of tune Complain of the decay of the beggars in the metropolis. These are the first lines. Hai. There was a dignity springing from the very depths of their desolation, as to be naked is to be so much nearer to the being a man than to go in library. Detests thought of on book and reading. I love to lose myself in other men's minds when i am not walking i am reading i cannot sit and drink ah uh, sorry i cannot sit and think books think for me a dissertation upon roast pig pig let me speak his praise is no less provocative of the appetite than he is satisfactory to criticalness of the censorious palate. ड्रीम चिल्ड्रेन रेवरी जो है इम्पोर्टेंट वर्क है ये यह यहाँ से शुरू होता है वी आर नथिंग लेस दैन नथिंग एंड ड्रीम्स वी आर ओनली वट माइट हैव पीन एंड मस्ट वेट अपॉन दीडियस शोर्स ऑफ लीफ याद रखना आपको मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस एंड नेम तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन्स हैं ये किस वर्क में हैं या किस राइटर की हैं It acts on appetite. An original peculiarity of constitution is no crime. That not that which goes into the mouth desecrates a man, but that which comes out of it. The gentle style of writing, the rank of the writer is never more innocently disclosed than where he takes for granted the compliments paid by foreigners to his fruit tree. Grace before meat, the form then of benediction before eating, has its beauty at a poor man's table or at the simple and unprovocative repast of children. It is here that the grace becomes exceedingly graceful. The learner, it was born, as you have heard in the crowd, this has be begot me. An entire affection for that way of life, amounting to an almost insurmountable aversion from solitude and rural scenes, Macri and and in Hertfordshire, Hertfordshire, those slender ties that prove slight as gossamer in the rending atmosphere of metropolis, bind Foster as we found it in hearty, warmly loving Hertfordshire there are too many right uh, too many lines and other things we can discuss in other in another work in another video we will be keep making uh, these things for you hopefully these videos are helping you if you think so please do thumbs up it means a lot for us see you in next video